बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ विस्टम और स्कूल सिस्टम क्लास नाइन्थ। टुडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम सब्जेक्ट बायोलॉजी इज़ ऑन पेज नंबर 68 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। किसी भी सेल का साइज और उसके अंदर कितना वॉल्यूम है या कितना स्पेस है उसका मतलब सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है उसके वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम रेशो के हिसाब से कि वो कितनी अमाउंट ऑफ मटीरियल्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है और कितना उसका खुद का सरफेस एरिया है कि वो एक जगह पर कितनी अमाउंट ऑफ जो सेल्स हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। ये बड़ा अहम टॉपिक है रिगार्डिंग दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ सेल विद इन दी ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सो सेल्स जो हैं वो साइज़ में वेरी करते रहते हैं, वेरी ग्रेटली इन साइज, साइज़ में बदलते रहते हैं। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल्स की, जिसको बैक्टीरिया यानी फर्स्ट कर लें कि जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो स्मॉलेस्ट सेल है, जैसा कि बैक्टीरिया का सेल है, उसे माइकोप्लाज्मास कहते हैं और उसका डायामीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो अगर हम बल्कीस्ट सेल की बात करें, जो बाय वेट या बाय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बल्की और मोटे और वज़नी होते हैं, जैसा कि बर्ड एग्स हैं जिसमें ऑस्ट्रिच की भी एग्जांपल ली जा सकती है, एंड दी लॉन्ग सेल्स आर सम मसल सेल एंड नर्व सेल। और अगर हम सेल्स की एग्जांपल बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लें तो लॉन्ग सेल्स भी हो सकते हैं, नर्व सेल्स हैं जैसे कि वो लॉन्ग सेल्स हैं, और मसल सेल्स हैं जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। तो अब हर एक का साइज़ और उनका जो एरिया है वो डेफिनेटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ज़्यादातर जो साइज़ हैं, मोस्ट ऑफ़ द सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो ज़्यादातर इन्हीं साइज़ के दरमियान में, इन्हीं दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में पाए जाते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट या बल्कीस्ट या थिनर। सेल साइज़ एंड शेप्स आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। जिस तरह का सेल मैंने जब सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन का टॉपिक आपको समझाया था, तब उसमें मैंने ये बताया था कि सेल की जैसे की शक्ल होगी बिल्कुल वैसा फंक्शन उसको असाइन किया जाएगा। बर्ड एग्स आर बल्की बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग यंग। बर्ड्स का जो सेल्स है, सेल है या बर्ड्स का जो एग सेल है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसी के अंदर उसका वो जो बेबी है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल कर रहा होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसी के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर हम लॉन्ग मसल सेल्स की बात करें तो वो एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उन्होंने वो पूरी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, मतलब मैसेजेस ब्रेन से पूरी बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करने